हेलो फ्रेंड्स, मैं आप सबके समक्ष एक बार फिर बीपीएससी प्रीलिम्स 2018 का आंसर लेकर हाजिर उपस्थित हुआ हूँ आपके सामने। पिछला वीडियो किसी कारणवश अब्रप्टली रुक जाने की वजह से पूरा मैं कंप्लीट नहीं कर पाया था, तो उसी को आखिरी पार्ट में छोटे से वीडियो के रूप में आपको बाकी बचे 30 क्वेश्चन मैं आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। पिछले पेपर में क्वेश्चन नंबर 120 तक हो चुके थे। 120 फर्स्ट पे आके थोड़ा सा इशू हुआ था, देख लेते हैं उसका आंसर क्या होगा। क्वेश्चन है, ई कॉमर्स पर राष्ट्रीय नीति के लिए फ्रेमवर्क पर थिंक टैंक की पहली बैठक की अध्यक्षता किसने की। तो कॉमर्स मिनिस्टर हमारे हैं सुरेश प्रभु, और इन्हीं को इसका कार्यभार दिया गया था। तो 121 का जो क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी। 122, बिहार के निम्नलिखित जिलों में से कौन सा जिला नेपाल के साथ सीमा साझा नहीं करता। तो फ्रेंड्स, जो सीमा साझा करता है वो है मधुबनी, किशनगंज, सीतामढ़ी और पश्चिमी चंपारण। ये जिले नेपाल के बॉर्डर से मिलते हैं, लेकिन इसमें जो ऑप्शन डी है पूर्णिया, ये नेपाल से टच नहीं करता, ये एक्चुअली वेस्ट बंगाल से बॉर्डर पे है और किशनगंज के पास में है। तो इसका जो 122 का जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन डी होगा। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। कौन सा भारत के बिहार राज्य में मौजूद एकमात्र यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल है। तो इसका जो करेक्ट आंसर फ्रेंड वो है महाबोधि विहार, ऑप्शन ए। यही एकमात्र यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है जो कि बिहार में है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। दक्षिण एशिया समुद्र क्षेत्र में तेल और रासायनिक प्रदूषण पर सहयोग के लिए केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत एवं SACEP के बीच समझौता ज्ञापन दैट इज MOU को मंजूरी दी है। यह SACEP क्या है? तो ये बेसिकली साउथ एशिया कोऑपरेटिव एनवायरनमेंट प्रोग्राम है, जिसका कि दक्षिण एशिया सहकारी पर्यावरण कार्यक्रम हिंदी है। तो क्वेश्चन 124 का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी, दक्षिण एशिया सहकारी पर्यावरण कार्यक्रम। पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 125, पर्यटन सहयोग को बढ़ाने के लिए हाल ही में किस राज्य सरकार ने कोरिया के साथ समझौता ज्ञापन दैट इज MOU पर हस्ताक्षर किए थे। फ्रेंड्स, इसका जो करेक्ट आंसर है वो है उत्तर प्रदेश। वैसे भी हमें मालूम है कि दक्षिण कोरिया एक बुद्धिस्ट नेशन है और जो कुशीनगर है वहां पे गौतम बुद्ध ने अपनी अंतिम सांसें ली थी। तो बुद्धिज्म से ही एक तरह से रिलेशन के तौर पर बढ़ाने के लिए और इम्प्रूव करने के लिए एक दक्षिण कोरिया टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए उत्तर प्रदेश में सहयोग करेगा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय वन अनुसंधान एवं शिक्षा परिषद ICFRE ने वन आधारित समुदायों का समर्थन करने के लिए TIFAC के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। इसमें ICFRE का मुख्यालय कहाँ है? तो फ्रेंड्स, ये जो भारतीय वन अनुसंधान है उसका मुख्यालय हेडक्वार्टर जो है लोकेटेड है वो देहरादून में लोकेटेड है। बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है, UPPCS में भी ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जा चुका है। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। किस टीम ने गंगा नदी बेसिन में भू जल आर्सेनिक अनुसंधान पर परियोजना के लिए न्यूनतम भाभा फंड जीता है? तो फ्रेंड, इसका जो करेक्ट आंसर है वो इंडिया एंड यूनाइटेड किंगडम की ज्वाइंट टीम ने ये न्यूनतम भाभा फंड जीता है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन है, बाढ़ सुपर थर्मल पावर स्टेशन कौन से राज्य किस राज्य में स्थित है। तो बाढ़ नीतीश कुमार का लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसी भी रह चुका है और ये बिहार में है। तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो है ऑप्शन ए, बिहार। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन इंटरनेशनल सोलर एलियंस हाल ही में एशिया और पैसिफिक रीजन में सौर ऊर्जा परियोजना को बढ़ावा देने के लिए किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन के साथ समझौते पर हस्ताक्षर किए। तो इसका जो करेक्ट आंसर है फ्रेंड वो है एशियन डेवलपमेंट बैंक दैट इज ADB। क्वेश्चन नंबर 130, भारत ने किन देशों के साथ असैनिक परमाणु सहयोग के लिए त्रिपक्षीय
त्रिपक्षीय समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है रूस और बांग्लादेश, दैट इज ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 131 है, सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या है? पक्की ईंट से बनी इमारत, प्रथम असली मेहराब, पूजा स्थल, कला और वास्तु कला। तो फ्रेंड्स इसमें से एक से ज्यादा आंसर सही है, इस वजह से इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ई, में से कोई नहीं है, उसमें से एक से अधिक, क्योंकि पक्की ईंट से इमारत भी उस टाइम थी, बिल्डिंग पूजा घर भी था और आर्ट एंड आर्किटेक्चर भी उस वक्त मौजूद था। मेगास्थनिक द्वीप था, ये मेगास्थनिक राज्य एम्बेसडर ऑफ सेल्यूकस निकेटर। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो फ्रेंड है ए, ऑप्शन ए। ये लूसेंट की पेज नंबर 24 में भी ये चीज लिखी गई है। अगला क्वेश्चन भी सेम ही पेज पे, लूसेंट जो जनरल नॉलेज की बुक है, जनरल नॉलेज की, उसमें उसकी बात कर रहा हूँ। अगला जो क्वेश्चन है, कौटिल्य की पुस्तक अर्थशास्त्र किस विषय पर आधारित है? ये भी उसी पेज पे उसके ठीक ऊपर दिया गया है, तो शासन कला के सिद्धांत एवं अभ्यास पे, दैट इज प्रिंसिपल एंड प्रैक्टिस ऑफ स्टेट क्राफ्ट। ये इसका ऑप्शन बी करेक्ट आंसर। इसका भी आंसर न्यूज टेंसिल में इनकरेक्ट दिया हुआ है, तो उसकी बात हम नहीं करेंगे क्योंकि उसमें बहुत सारे एरर दिए गए हैं। त्रिपिटक किसकी धार्मिक पुस्तक है? तो फ्रेंड त्रिपिटक जो है वो जैन धर्म से रिलेटेड है, तो जैन धर्म की सेक्रेट बुक्स जो तीन है उनको बोला जाता है त्रिपिटक। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ, अशोक के धर्म का मूल संदेश क्या है? अशोक का सेंट्रल पॉइंट जो है अशोक के धर्म का वो है रिलीजियस टॉलरेशन, धार्मिक सहनशीलता। अगला क्वेश्चन जो है, मौर्य समाज का सात वर्गों में विभाजन विशेष रूप से उल्लेख किया गया है, तो ये मेगास्थनीज की पुस्तिका इंडिका में की गई है। ये फिर ये तीनों क्वेश्चन नंबर 132, क्वेश्चन नंबर 136 और क्वेश्चन नंबर 133, ये तीनों क्वेश्चन एक ही पेज नंबर लूसेंट पे दिए गए हैं, आप वहां से भी इसका आंसर देख सकते हैं या कंफर्म कर सकते हैं। प्रसिद्ध चीनी यात्री फयान ने किसके शासनकाल में भारत की यात्रा की? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन बी, चंद्रगुप्त टू। श्रीगुप्त ने गुप्त वंश की स्थापना की, और देखिए यहाँ से भी आसान होता है, फायान है, एफ से स्टार्ट होता है, तो फिफ्थ सेंचुरी में गुप्त एम्पायर का शासन था, तो इसका भी करेक्ट आंसर चंद्रगुप्त टू होगा। इस तरह भी चोल काल किसके लिए प्रसिद्ध था? कि चोल काल पंचायती राज के लिए, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के लिए फेमस था। ये बेसिक सा इंफॉर्मेशन है, दैट इज ग्राम पंचायत, वहां उस टाइम भी चोल के शासनकाल में उस टाइम भी विलेज असेंबलियां लगती थी। तो ये जो 130 है, क्वेश्चन 130, उसका जो करेक्ट आंसर है वो है ए। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ, दक्षिण भारत के मंदिरों में आकर्षण द्वार क्या कहलाते हैं? तो दक्षिण भारत के जो आकर्षक द्वार गेटवे, माइटी गेटवे होता है, उसे गोपुरम कहा जाता है। तो 139 का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन बी। विजयनगर साम्राज्य का अवशेष कहाँ मिलता है? तो ये हम्पी में पाया जाता है, विजयनगर साम्राज्य का अवशेष। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ, वह मुस्लिम शासक कौन था जिसने शासन के सिद्धांत थ्योरी ऑफ किंगशिप को राजाओं के ईश्वरीय अधिकार, दैट इज थ्योरी ऑफ डिवाइन राइट के समान प्रतिपादित किया? ये इसका जो करेक्ट आंसर है वो है बलबन। बलबन ने एक नई पद्धति की, जो भी राजा होगा वो भगवान के समान होगा और उनके पैरों को चुंबन करना होता था बाकी सारे लोगों को। ये एक थ्योरी ऑफ डिवाइन राइट, मतलब राजा और ईश्वर दोनों, गॉड एंड किंग दोनों इक्विवेलेंट हैं ऑलमोस्ट, इस तरह का थ्योरी उसने एस्टेब्लिश और इंडिया में लागू किया था। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ फ्रेंड्स, भारत में कागज का प्रयोग कब प्रारंभ हुआ? तो फ्रेंड्स ये जो भारत में कागज का प्रयोग कब, ये 12वीं शताब्दी में स्टार्ट हुआ था, और सबसे पहले जो कॉटन कागज की जो फैक्ट्री लगी थी, पेपर इंडस्ट्री, वो कश्मीर में लगी थी 14वीं शताब्दी में। यूरोपीय चित्रकारी का प्रवेश किसके दरबार में हुआ था? तो ये यूरोपियन पेंटिंग्स
अकबर के शासनकाल में पुर्तगीज लेकर आए थे अकबर के दरबार में पेंटिंग। अगला जो क्वेश्चन है वो प्रीवियस यूपीएससी 2009 का क्वेश्चन है, जो कि भारत में किसके शासनकाल में इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी का एस्टेब्लिशमेंट हुआ था, क्या बनी थी, गठन हुआ था। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है अकबर। फ्रेंड्स ये क्वेश्चन ध्यान देने वाली बातें हैं कि इसे पूछा जा रहा है कि किसके शासनकाल में ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन हुआ था, ये नहीं कि किसके शासनकाल में ईस्ट इंडिया कंपनी भारत आई थी। मतलब तो ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन जो हुआ था 1600 ईस्वी में हुआ था और उस टाइम भारत में अकबर का शासन था। फ्रेंड इसी क्वेश्चन को यूपीएससी ने 2009 में पूछा था और एक और इससे रिलेटेड मिलते जुलते क्वेश्चन को यूपीएससी प्रीलिम्स 2010 में भी पूछ दिया था। उसमें पूछा था भारत में किसके शासनकाल में ईस्ट इंडिया कंपनी भारत आई थी, तो वहां पे जो आंसर होगा वो होगा जहांगीर। लेकिन इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी अकबर। निम्नलिखित बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ, वो है क्वेश्चन नंबर 145। निम्नलिखित में से किस देशी रियासत को अंग्रेजों ने अपने क्षेत्र में नहीं मिलाया था, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ग्वालियर। फ्रेंड्स अभी भी हमको मालूम, अभी आप सभी लोगों को मालूम है कि ग्वालियर के राजा ने ही झांसी की रानी के खिलाफ अंग्रेजों को सबूत दिए थे और इसके वजह से झांसी की रानी को अपनी ग्वालियर रियासत की वजह से ही झांसी की रानी को अपनी जान गंवानी पड़ी। तो बेसिकली वो अंग्रेजों के साथ पहले ही मिले हुए थे लेकिन अंग्रेजों का उन पर डायरेक्ट कंट्रोल नहीं था, वो एक तरह से इंडिपेंडेंट थे। गांधी जी के नमक सत्याग्रह का एकमात्र उद्देश्य भारत के लिए पूर्ण स्वराज ही था, तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन डी। अब ये फ्रेंड क्वेश्चन नंबर 147, ये एक बार फिर से मैं बता दूं कि इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन बी होगा, दैट इज केरल, क्योंकि मोपला रिवेलियन 1921 में बेसिकली एक नॉन कॉपरेशन मूवमेंट जो 1920 में स्टार्ट हुआ था उसी का एक पार्ट भी था, लेकिन आगे चल के इसके कम्युनल मोटिव में चेंज हो गया। बेसिकली इसमें मुस्लिम वर्सेस जो वहाँ के हिंदू जमींदार थे उसके उन दोनों के बीच हो गया था। हालांकि स्टार्ट में इसको गांधी जी ने भी खुद संबोधित किया था लेकिन बाद में ये कम्युनल हो गया, इसकी वजह से इससे नॉन कोऑपरेशन नॉन एनसीएम जो हुआ था 1920 में उससे इसको अलग कर दिया गया, तो बेसिकली केरल में हुआ था मोपला में। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा 147 का आंसर बी केरल। भारत में स्वदेशी आंदोलन किस दौरान हुआ था, तो बेसिकली एंटी बंगाल पार्टीशन एजुकेशन के रूप में स्वदेशी आंदोलन हुआ था, जिसकी वजह से जिसमें हमारे नेशनल स्कूल नेशनल मतलब राष्ट्रीय लोगों के द्वारा संचालित इंडस्ट्रीज खोली गई, स्कूल खोले गए जहाँ पे उनका रनिंग मैनेजमेंट जो होता था पूरी के पूरी स्वदेशी लोगों के हाथों में था। अगला जो क्वेश्चन है, बिहार प्रोविंशियल किसान सभा का गठन 1929 में हुआ था। फ्रेंड्स ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा जाता है, तो इसका जो करेक्ट आंसर है 129 है। अब किस अधिनियम के तहत बिहार एक अलग राज्य बना था। फ्रेंड्स जो बिहार 1912 ईस्वी में वेस्ट बंगाल से अलग हुआ था लेकिन इसे 1935 उड़ीसा से अलग हुआ था लेकिन अभी भी ये बंगाल से लगा हुआ था लेकिन फाइनली इसे 93 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 के तहत बिहार एक सेपरेट प्रोविंस बना था, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो जाएगा ऑप्शन ए। फ्रेंड्स ये हमारे 150 क्वेश्चन है और इसमें मैंने पूरी ईमानदारी से पूरी रिसर्च करके आपके समक्ष क्वेश्चन के सॉल्यूशन मैंने प्रस्तुत किया है। अब मैं काफी स्टूडेंट से बात करके कट ऑफ क्या होगा बीपीएससी प्रीलिम्स के लिए, क्या हो सकता है इस साल का कट ऑफ, उस पे मैं एनालिसिस कर रहा हूँ और उसके लिए भी मैं एक जल्द ही नया वीडियो आप सबके समक्ष लेकर प्रस्तुत होऊंगा। तब तक के लिए प्लीज आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें और हमारे यूट्यूब चैनल ओपन योर विंग्स को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद, आप सभी को हमारी शुभकामनाएं, ऑल द बेस्ट।